पंचकुला पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब किडनैपिंग मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। किडनैपिंग व लूट मामले को लेकर पंचकुला पुलिस कमिश्नर सिरबास कविराज के निर्देश अनुसार पुलिस उपायुक्त सुरक्षा कानून व्यवस्था मुकेश मल्होत्रा के मार्गदर्शन में ACP क्राइम अरविंद कंबोज के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर सेक्टर 26 वीरेंद्र सिंह व उसकी टीम द्वारा MG हेक्टर गाड़ी लूट की वारदात का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान राजीव उर्फ गोलू पुत्र रमेश वासी कोतकला नारनोल हिंसा के रूप में हुई। ACP क्राइम अरविंद कंबोज ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया कि 27 अक्टूबर को किसी अनजान व्यक्ति ने MG हेक्टर गाड़ी को छीनकर गाड़ी में बैठी महिला को किडनैप करके ले गए थे। देखिए पंचकुला से अजीत जहां की रिपोर्ट। एक घटना हुई थी, एक किडनैप हुआ था और एक गाड़ी स्नैच हुई थी हमारे यहाँ से। तो इसमें दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति को हमने इसमें पहले गिरफ्तार कर लिया है। एक मुख्य आरोपी को जो गाड़ी का चालक था, जो गाड़ी को स्नैच करके ले गया, जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, उसको हमारी क्राइम ब्रांच 26 की टीम ने इंस्पेक्टर वीरेंद्र के नेतृत्व में 25 तारीख को गिरफ्तार किया था। तो सर क्या आरोप था? उसने एक युवती भी थी उसके साथ ही गाड़ी थी। जी, एक उसमें वो मार्केट में आए थे, MG एक्टर गाड़ी थी, तो लड़की गाड़ी में बैठी थी, तो ये दो व्यक्ति आए गाड़ी को, उनकी चाबी छीन के और गाड़ी को लेके वहाँ से फरार हो गए थे। जो इसमें इन्होंने लड़की को अम्बाड़ा उतार दिया था और गाड़ी को ये चोड़क के पास छोड़ के भाग गए थे। तो हम लगातार इस पर लग रहे थे, तो हमने पहले इसमें एक मुख्य आरोपी जो पहले गिरफ्तार किया था, उसके बाद वो मनीष था, ये राजीव उर्फ गोलू। सर इन्होंने बताया पहले भी कोई वारदात की? पहले भी जो मनीष था उसके पहले भी 22-23 मामले दर्ज हैं और 2-3 वारदातें उसने अभी पंचकुला की और डिस्क्लोज किए नई वारदातें, उस पर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसको, और दोबारा प्रोडक्शन वारंट पर लेके उसको शामिल ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये किसी नशे के लिए करते थे या फिर नहीं, ये अपने इनकम के लिए करते थे, फाइनेंशियली बेनिफिट के लिए। ये पहले भी गाड़ी चोरी के भी मामले हैं, गाड़ी किडनैपिंग के भी हैं, घर की चोरी है और व्हीकल के हैं, एक दो गाड़ी, दो चार गाड़ियों के मामले पहले दर्ज हैं। अभी जो पहले वो 2017 के और 2015 के मामले हैं, अभी हम उसको बड़ी बारीकी से ले रहे हैं, अभी उस पर हम जांच कर रहे हैं और अभी हम उसको भी आपको फर्दर आगे उसके बारे में बताएंगे, इन्वेस्टिगेट करके प्रोडक्शन पे उसको लेके आएंगे अभी तो देखते हैं उसमें। हाँ, अभी प्रोडक्शन वारंट पे हमने एक मुकदमे में लेके आना है, तो हम उस पे लगातार हमारे उन मामलों पे भी काफी फोकस है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें